मशीन। तो अब हम आप लोगों को पूरा डिटेल वाइज बताएंगे कि कैसे आपको अपने बालों को क्रिम्प करना है, राइट। और यहाँ पर एक टेम्परेचर की बटन है जिससे आप यहाँ पे प्रेस करोगे ना, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर दिखेगा कि लो है कि हायर हो रहा है, उस अकॉर्डिंग आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। और यह है सिल्वर प्लेटेड, इसकी प्लेट्स हैं जो डैमेज करने से बचाती हैं, और जैसे हीट होता है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर हमको आ जाता है कि लो करना है कि हाई करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके चलो, जैसे मैं करूँगी, यहाँ देखो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अभी गर्म करने के लिए मशीन थोड़ी देर वेट करता है, जैसे हीट होगा तो स्टार्ट कर। मैं नॉर्मली 200 पे करती हूँ, ना ज़्यादा कम, ठीक है। थोड़ा सा पार्टीशन लेके आपको ऐसे आपको इतना पार्टीशन लेना है, देन आप उसको ऐसे प्रेस करना है थोड़ी थोड़ी देर तक, फिर आपको ऐसे नीचे की साइड पे पुल करते जाना है। आप देख रहे हो थोड़े थोड़े ज़िगज़ैग हो रहे हैं। और गाइस एक बात बता दूं कि आप डिफरेंस भी देख सकते हो इसमें और इसमें, से वॉल्यूम भी दिखेगा आपको, तो जिनके बहुत पतले बाल होते हैं वो ट्राई कर सकते हैं थोड़ा वॉल्यूम अच्छा दिख। देख सकते हो आप इस साइड मैंने देखो क्रिम्प किया हुआ है, ये वाला पोर्शन मैंने क्रिम्प किया है और ये वाला पोर्शन मैंने नहीं किया है, तो आप डिफरेंस दिख रहा है ना? जी हाँ। तो अभी अभी धीमे धीमे करके पूरे करते हैं, फिर बताते हैं क्या रिजल्ट आता है। देख सकते हैं क्रिम्पिंग के बाद थोड़े घने वैसे बाल लगते हैं और स्ट्रेट भी हो जाते हैं और थोड़ा वॉल्यूम जैसा आता है, वरना पहले एक पतले से लटक रहे होते हैं, लेकिन अब देखो थोड़ा लग रहा है ना कि हाँ बाल। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको लुक। गाइस आपके अगर छोटे बाल हैं तो आपके बाल इस तरीके से लगेंगे क्रिम्पिंग के बाद। इस वीडियो से आप लोगों को आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके बड़े बाल हैं तो आपका लुक इस तरीके से आएगा, और आपके छोटे बाल हैं तो इस तरीके से लुक आएगा। और ये मशीन आप अमेज़न से बाय कर सकते हैं, कोई भी क्रिम्पिंग मशीन ले सकते हैं, और अदरवाइज़ आप कोई शॉप से भी परचेस कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो करना है करें। बाय।